तो आपको रिबॉलिंग के लिए क्या क्या चाहिए, तो वो आपको मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले तो आपको आपका बोर्ड चाहिए, तो ये मेरे पास मेरा बोर्ड है जो मेरा वर्किंग बोर्ड है, ठीक है। और इसी में मैं आपको इसकी पावर आईसी को रिबॉल करके आपको बताऊँगा किस तरीके से लगाना है, और जिस कंडीशन में ये बोर्ड है उस कंडीशन में बोर्ड हमें वापस लाना है, ठीक है। अब इसके बाद हमें एक बैंड ट्विजर चाहिए। सो बैंड ट्विजर हो तो ज़्यादा अच्छा है। स्ट्रेट ट्विजर हम बेसिकली आईसी को उठाते हैं तो उससे ज़्यादा हमारा बेटर होता है ये बैंड ट्विजर, ठीक है। और ये लॉन्ग रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें हमें जो आईसी के पास ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा आईसी के पास पकड़ेंगे इस तरीके से, तो आपको हीटिंग महसूस होगी जिसमें आप कंपोनेंट को हिला सकते हैं। एक डबल साइडेड ब्रश, आप नॉर्मल ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर डबल साइडेड है तो भी आपके लिए बेटर है। तो बट नॉर्मल ब्रश यूज़ कर सकते हैं, बट ये ब्रश बेस्ट रहता है, ठीक है। एक आपका 4 नंबर ब्लेड, ये हम यूज़ करेंगे पीपीडी फैलाने के लिए। पीपीडी फैलाने के लिए और भी ब्लेड्स आते हैं या पीपीडी के खुद के ब्लेड्स आते हैं, बट मैं जनरली ये ब्लेड यूज़ करता हूँ। सो एक मेरा इंजेक्शन जिसके अंदर मेरा फ्लैक्स है। सो आप किसी भी कंपनी का फ्लैक्स ले सकते हैं, पर जो बेटर कंपनी होती है वो रिलाइफ, मैकेनिक, ये सारी कंपनियाँ बेटर होती हैं। और आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको अच्छे जो फ्लैक्स होते हैं उनका भी मैं आपको मॉडल नंबर बता दूंगा। फिर आपकी, अगर आप एमएमसी रिबॉल कर रहे हैं तो एमएमसी की स्टेंसिल बीजीए, इसको बीजीए स्टेंसिल बोलते हैं। और अगर आप सीपीयू या पावर या कोई भी आईसी, ऑडियो चार्जिंग, आपकी डब्ल्यूटीआर, आपकी नेटवर्क, किसी भी छोटी बड़ी आईसी को रिबॉल कर रहे हैं पीएफओ छोड़ के, तो आप इस यूनिवर्सल स्टेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली हम इसकी मदद से काम करने वाले हैं। हमारा पीपीडी, मैं यूज़ कर रहा हूँ रिलाइफ का पीपीडी, ठीक है। यह है 183, तो यहाँ पर हम जो पीपीडी यूज़ कर रहे हैं वो है 183। और मैं यूज़ कर रहा हूँ डी शोल्डर वायर, आप देख सकते हैं ये रोजिंग एसडी शोल्डर विक है, काफ़ी बेस्ट है ये सोल्डिंग वायर। आप जो भी सोल्डिंग वायर यूज़ करें बट वो ओरिजिनल होना चाहिए। डुप्लीकेट सोल्डर वायर से आप रिबॉलिंग का काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, इससे आप जो पैड की क्लीनिंग है वो सही तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। तो टोटल कितने आइटम हमें चाहिए अगर देखा जाए तो, ऑब्वियसली पहला आपका बोर्ड, ट्विजर, ब्रश, पीपीडी लगाने के लिए टूल, आपकी डी सोल्डर वायर, स्टेंसिल, आपका इंजेक्शन या फिर फ्लक्स, आपकी पीपीडी। सो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 7 आइटम से आप अपनी आईसी को रिबॉल कर सकते हैं और वापस लगा सकते हैं। चलिए इसको वीडियो, तो चलिए दोस्तों, मेरे पास सैमसंग का एक मॉडल है जो मेरा बिल्कुल ऑन कंडीशन में है और चार्जिंग पे है। तो आप देख सकते हैं ये अभी 24% चार्ज है। तो हम इसी की पावर आईसी को निकालेंगे और इसी को वापस इसी सेम कंडीशन में लाएंगे, क्योंकि फिलहाल हमारा ये जो वीडियो है ये सिर्फ आईसी रिबॉलिंग, एक सही तरीके से प्रोफेशनल वे से आईसी को रिबॉल करके वापस लगाने का, कि किस तरीके से हम इसको निकाल के और वापस लगा सकें। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला, आपके पास एक पीपीडी होना चाहिए 138 की, ठीक है। आपके पास में एक बैंड ट्विजर होना चाहिए, आपके पास फ्लैक्स होना चाहिए, आपके पास पीपीडी लगाने के लिए होना चाहिए, क्योंकि हाथ से पीपीडी आप लगाएंगे तो वो आपको हार्मफुल हो सकता है, और हाथ से पीपीडी उतना अच्छा लगता नहीं है। तो इसलिए आप अगर ये ब्लेड का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप डी सोल्डर वायर यूज़ कीजिए, और डी सोल्डर वायर दोस्तों आपका ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि फिर नहीं तो उसके जो रेसे होते हैं वो बेसिकली किसी काम के नहीं होते और वो ज़्यादा ही नुकसान पहुँचाता है। आप अपना स्टेंसिल्स, तो हम जो पावर को रिबॉल करेंगे वो हमारी यूनिवर्सल स्टेंसिल से रिबॉल करेंगे, और हमारा ब्रश। सो इसमें ये डबल साइडेड ब्रश होता है, ये काफ़ी अच्छा ब्रश होता है। इसमें आपको एक सॉफ्ट ब्रश मिलता है देखने को, और एक आपको हार्ड ब्रश देखने को मिलता है, ठीक है। और एक पीसीबी होल्डर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम पीसीबी होल्डर में पीसीबी लगाने को सीखते हैं। तो नोटिस कीजिए, अगर आप पीसीबी होल्डर में पीसीबी लगाना चाहते हैं, जैसे मेरे पास में जो पीसीबी होल्डर है वो है फाइंड एक्स, काफ़ी बेस्ट पीसीबी होल्डर है। यहाँ पर मैं आईसी रख के अपनी क्लीनिंग भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे ब्लैक पेस्टेड आईसी को लगाकर और उसको बहुत इजीली तरीके से फंसा कर
उसका ग्लू भी कट कर सकता हूँ। और साथ में ये काफ़ी एक फ्लेक्सिबल मोड पे चलती है और किसी भी तरीके से मैं इसको अप डाउन कर सकता हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी है। मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाली पीसीबी लें। तो आपको करना क्या है, आप जब भी पीसीबी को लगाएं, तो पीसीबी को लगाने के लिए पीसीबी को देखिए, बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि पीसीबी के छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश में रहते हैं। सो उसको ऐसा ना करके उसको उल्टा लगाइए और जो बड़े हिस्से हैं उसको सामने फिट कीजिए और जो सिंगल हिस्सा है उसको आप पीछे की ओर ले आइए, जहाँ कैमरे आपका यूज़ होता है, इस तरीके से। और अगर आपके कनेक्टर्स यहाँ पर आपको आ रहे हैं तो आप कनेक्टर के हिसाब से भी आप इसको लगा सकते हैं कि कनेक्टर आपका इसमें दबे नहीं। तो बेसिकली मैं पीसीबी को अगर लगाऊं तो ये देखिए, तो मैं आप देख सकते हैं कि मैंने पीसीबी को कैसे यूज़ किया हुआ है। तो चलिए हम आईसी को निकालना चालू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आईसी के चारों तरफ का जो लेआउट है किस तरह का है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। आप ये जो देख रहे हैं ये मेन पावर आईसी है, इसके साइड में जो ये कैपेसिटर देख रहे हैं, ये क्लोज टू कैपेसिटर इनको बोलते हैं। ये सारे कैपेसिटर आपके जो हैं जो यहाँ लगे हुए हैं, ये सारे BPH, ये जो सेकेंडरी पावर लाइन के सप्लाई के कैपेसिटर हैं। यहाँ पर ये जो आपको कोयले दिखाई दे रही हैं सारी बक कोयले हैं। ये बक कोयले हमारी दो काम करती हैं, एक हमारे पावर के LDO को जनरेट करती हैं ताकि पावर एक LDO बनाए, ताकि छोटे छोटे ICO को वोल्टेज सप्लाई कर सके, हर जगह छोटी छोटी ICO को वोल्टेज सप्लाई कर सके। दूसरा हमारे CPU के थ्रू बक वोल्टेज क्रिएट कर सके। बक वोल्टेज का काम यही होता है कि एम्पियर को बढ़ाना और वोल्टेज को कम करना। तो जनरली इन कॉयलों पे जो वोल्टेज होता है वो बहुत ही कम होता है, सिर्फ LDO वोल्टेज, LDO कॉयल ऐसे होते हैं जहाँ पे वोल्टेज आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें IC को अगर निकालना है, सबसे पहले अगर हमें IC को हम निकालना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी जगह देखनी पड़ती है। देखिए अगर IC के निकालने के लिए कोई भी जगह नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी कैपेसिटर, यहाँ पे आप अगर देखिए मैं यहाँ से IC को पकड़ सकता हूँ, यहाँ से पकड़ सकता हूँ, तो आप एक और काम कर सकते हैं, आप अपने साइड का एक कैपेसिटर निकाल के फिर आप IC को यहाँ से बहुत ईजिली उठा सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप IC के कोई भी साइड में जगह नहीं है तब आपको इस तरह का टूल यूज़ करना पड़ता है। ये देखिए ये स्क्रैपर होता है जिससे हम IC का एक वन साइड उठा देते हैं, जिससे IC को हमें पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। सो फिलहाल ये हम आपको ब्लैक पेस्टेड बोर्ड में बताएंगे, यहाँ हम IC को आसानी से इजीली उठा सकते हैं, ठीक है। सो IC को उठाने के लिए बस हमें थोड़ी सी जगह बनानी होती है और आप IC को आसानी से उठा सकते हैं। देखना ये है कि आपका जो ट्विजर है वो बिल्कुल सही है, हमारा थोड़ा सा बैंड है, तो मैं बिल्कुल सही ट्विजर का यूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए अब हम IC को बहुत इजीली तरीके से पकड़ सकते हैं। अगर आपका एक आध कॉम्पोनेंट हिलता है तो चल सकता है, बट निकलना नहीं चाहिए, ठीक है। अब हीट कितना लेना है तो मैं आपकी फ़ोटो, मैं उसमें फ़ोटो डाल दूँगा मशीन का कि हीट कितना लेना है और एयर कितना हमने किया है। हम यूज़ कर रहे हैं 857DW+। तो हम IC को सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि ये नॉन पेस्टेड IC है इसलिए हम डायरेक्ट इस पर हमारी IC निकालने वाली हीट देंगे, ठीक है। और नोजल हमने कितने mm का रखा है उसकी भी मैं फ़ोटो साइड में लगा दूंगा। पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको साइड का एरिया गर्म करना है, ठीक है। अब आप नोटिस कीजिए क्योंकि ऑलरेडी इस IC में इसको रिवॉल्व किया हुआ है, क्योंकि जैसे ही मैंने थोड़ा सा भी हीट किया तो अंदर जो भी पेस्ट था वो बाहर आ गया। पर क्योंकि मुझे सिखाने के तौर पे वीडियो बना रहा हूँ तो आप थोड़ी हीट करने के बाद आपको यहाँ पर साइड से फ्लक्स डाल देना है, इस तरीके से, बस हल्का सा आप जैसे ही फ्लक्स यहाँ पर डाल देंगे बस आपका काम हो जाएगा।
और अब आपको हल्का सा आईसी पर कम से कम 20 बार आपको गिन के घुमाना है, बहुत ज़्यादा बार नहीं। और जब आपको लगे कि आईसी हल्की सी टच हो रही है तो आपको इसको बाहर कर लेना है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो हमने आईसी को बाहर कर लिया है, ठीक है, और हमने आपने देखा कि हमने किसी भी कॉम्पोनेंट को छेड़ने की कोशिश नहीं की है। अब हम सबसे पहले आईसी के सरफेस को क्लीन करेंगे। तो आईसी के सरफेस को क्लीन करने के लिए सबसे पहले जो इसके बॉल्स होते हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा जो हमारे शोल्डर की इंटेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें जो बॉल्स है बहुत ज़्यादा हैं, तो हम इसको पहले बड़े बॉल्स को हमारे सोल्डिंग आयरन से बाहर निकालेंगे। इस तरीके से सिर्फ आपको हल्का सा सोल्डिंग आयरन इस पर चलाना है और आपको आपके बॉल्स को उठा लेना है, ठीक है। बड़े बॉल्स उठा लेने के बाद फिर अपना डी सोल्डर वायर हम इसमें यूज करेंगे। अब हम इसके ऊपर डी सोल्डर वायर को यूज करते हैं। अगर मान लो डी सोल्डर वायर चलाने की जगह नहीं होती है तो उसको भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि उसको फिर कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले डी सोल्डर वायर को यूज किया जाए। तो आप देख सकते हैं डी शोल्डर वायर के लिए यूज़ करने के लिए आप अपने नाइफ आयरन का यूज़ कर सकते हैं, नाइफ बिट का यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप पॉइंटर से भी कर सकते हैं, बट अगर आप नाइफ से करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। आपको सिर्फ 3-4 सेकंड के लिए रखना है और रखने के बाद जब आपको लगे कि वो तो गर्म हो रहा है तब आपको उसको हल्के हल्के से उसको चलाना है, और चलाना केवल आपको आगे पीछे की ओर है। यहाँ आपको देखना ये है कि गोल गोल नहीं घुमाना है, गोल घुमाने से आपके जो पैड हैं वो पैड निकल सकते हैं। ये देखिए, सिर्फ आगे पीछे की ओर चलाना है। बिल्कुल इस तरह से। एक बार जब हमारा सोल्डिंग आयरन का काम खत्म हो जाए, अब आपको उस पर थिनर अप्लाई करना है और आपको आपका इस पर ब्रश से इसको क्लीन करना है। तो इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब आप चाहें, अगर आपके पास फाइबर क्लोट है इस तरह का, तो आप ये फाइबर क्लोट भी यूज़ कर सकते हैं क्लीन करने के लिए। तो आप देखिए, हमारा जो पीसीबी का पैड है वो कितना क्लीन हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब अगर हम इसको डीसी मशीन के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें कोई भी रीडिंग देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पावर ही नहीं लगा, और जब तक पावर जनरेट नहीं होगा हमको कोई भी डीसी मशीन रीडिंग देखने को नहीं मिलती है। अब हमारा जो दूसरा काम है वो है हमारी आईसी को रिबॉल करना। तो हम इस पीसीबी को अलग रख देंगे, सबसे पहले एक टिश्यू पेपर रखेंगे, ठीक है, और हमारी आईसी को उसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से।
अब हम अपनी आईसी को क्लीन करेंगे। अगर आपके आईसी के अंदर के जो बॉल हैं वो मिल गए हैं तो आप पहले उसको क्लीन कर लेना, क्योंकि मेरे बॉल मिले नहीं हैं, पर फिर भी मैं आपको क्लीनिंग बताऊंगा। तो क्लीन करते समय आपको सिर्फ जैसे आप इस पर पेस्ट डालेंगे तो हल्का सा आपको इस तरीके से आयरन चला लेना है, थोड़ा आयरन घुमा लेंगे तो बॉल क्या करेगा, एक बॉल को दूसरा बॉल उठा लेगा और दूसरे बॉल को तीसरा बॉल। आप आईसी के ऊपर डी शोल्डर बार बिल्कुल चलाने की गलती ना करें। वैसे भी ये आईसी आप देख सकते हैं ये ग्लास आईसी ऐसी है, इसलिए इस पर डी शोल्डर बार अगर आप चलाएंगे तो ये आईसी आपकी खराब हो जाएगी। तो आईसी के ऊपर के बॉल क्लीन करने के बाद उसको अच्छे से साफ कर लें। अब अपनी स्टेंसिल्स को आईसी के हिसाब से जमाएं। क्योंकि ये यूनिवर्सल स्टेंसिल है इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा कि आपके सारे बॉल्स आपको दिखाई दें। इसके बाद अब आपको पीपीडी तैयार करनी है। तो पीपीडी तैयार करने के लिए आप सबसे पहले पीपीडी को ले लें। थोड़ा पीपीडी बाहर निकालें। इस तरीके से। और जो आपके टिश्यू पेपर है या आपके पास फाइबर क्लोथ है और आप इसको थोड़ा सा इधर आप इसको दबाएं, हल्का सा ही दबाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। हमें थोड़ा सा इसका जो जूसीपन है वो ख़त्म करना है, बहुत ज़्यादा ड्राई इसको नहीं करना है। ये देखिए इतना काफ़ी रहेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अधिकतर लोग क्या करते हैं यही गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ड्राई इसको करना नहीं है। अब देखिए मैंने क्यों ये 4 नंबर का ब्लेड यूज़ किया। अब मैं यही इस इतनी पीपीडी को कम से कम 2 से 3 आईसी में और अभी से अगर मैं आधे घंटे काम कर रहा हूँ तो यूज़ कर सकता हूँ। हालांकि अगर ये लॉन्ग टाइम मैं इसको छोड़ दूँ कि सुबह कराओ शाम को तो फिर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो पीपीडी पूरा ड्राई हो जाता है उसके बॉल्स अच्छे से बन नहीं पाते हैं। तो आप देख सकते हैं अब मैं पीपीडी को उसके ऊपर फैला दूंगा। कुछ इस तरीके से हमें पीपीडी को लगाना है। और अपने टिश्यू पेपर से उसको आपको क्लीन करना है। सो हाथों का यूज कोशिश करें कि बिल्कुल ना करें, अगर लग भी गया है तो उसको साफ कर लें और अच्छी तरीके से धो लें। अब आपको ट्विजर को इस तरीके से, इसलिए यहाँ पे आपको बैंड ट्विजर का यूज़ करना है, स्ट्रेट ट्विजर हो तो भी चलेगा। आपको ट्विजर से इन ऊपर के 2 सिरे को पकड़ना है। जब आप इसको पकड़ेंगे मैं आपको SMD का टेम्परेचर और एयर का फोटो यहाँ पे डाल शेयर कर दूंगा। अब आपको इसको हीट करना है। पहले तो उसके चारों तरफ गोल 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 गोल, मतलब आपको एक जगह पर नहीं रखनी है, आपको चारों तरफ गोल 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 घुमाते रहना है। तो इससे क्या होगा कि एक ही जगह पर ज़्यादा हीट लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। फिर आपको एक कोने के साइड में आपको हल्का सा इसको रखना है, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमारे जो बॉल है वो यहाँ बन रही हैं। क्योंकि मेरा पीपीडी थोड़ा सा ड्राई है, क्योंकि मैं जो पीपीडी यूज़ कर रहा हूँ वो एक ओपन बॉक्स का पीपीडी है,
तो फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा टाइम दूंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर पीपीटी अगर आपका पीपीटी ड्राई हो गया है तो वो रिबॉल होने में टाइम लेगा, और रिबॉल होता ही नहीं है, पर फिलहाल मैं इसको रिबॉल ईजिली कर लूँगा। ये देखिए, तो इसलिए जो भी पीपीटी आप लें बिल्कुल नया पीपीटी यूज़ करें, और पीपीटी के डिब्बे को कभी भी आप ओपन बॉक्स ना रखें, उसको हमेशा ढक के रखें, क्योंकि पीपीटी आपका ड्राई हो जाता है। तो चलिए अब देखिए हमारी आईसी बिल्कुल तरीके से रिवॉल्व हो चुकी है। अब जो मैं फाइनल काम करना है वो एक बार, क्योंकि 98% लोग यही गलती सबसे ज़्यादा करते हैं, हम अपनी बॉल बनाने के बाद एकदम से उसको उठा लेते हैं। बट अब हमको क्या करना है कि बॉल बनने के बाद अपनी इस तरह की ईगल ब्लेड यूज़ करनी है जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी, और आपको अपनी बॉलों को कट करना है। अब आप इसमें होगा क्या कि जो भी आपकी बॉल हैं, जो छोटी और बड़ी, जो बड़ी बॉल हैं वो आपको यहाँ पर ऊपर से वो एक जैसी हो जाएंगी, और हमारे बॉल बिल्कुल एक समान बनेगी। उसके बाद फिर से हिट देना है, और अगर कोई बॉल आपको छोटी नजर आए तो उस पर पीपीडी लगाकर फिर उस पर हिट देना है। तो आप देख सकते हैं इसी को कहते हैं परफेक्शन। जल्दबाजी में रिबॉलिंग नहीं करना है, रिबॉलिंग में आपको पूरा की पूरा आपको समय देना है। अब क्योंकि हमारी आईसी पीपीडी हमारी आईसी, देखो ना हमने किसी तरह का पीछे टेप यूज किया ना कुछ प्रोटेक्शन, अब हमें आईसी को निकालना है और उसके आसपास का जो भी बॉल्स हैं उसको हमें हटाना है इजीली तरीके से, क्योंकि ये यूनिवर्सल से किया था और इसमें इसका बॉल चिपक लगना स्वाभाविक है। और अब हमारी जो आईसी है वो आप देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से रिवॉल्व हो गई है। अब हमें इस आईसी के ऊपर थोड़ा सा पेस्ट लगाना है, और अब इसको हल्का सा हीट देके इसके सारे बॉलों को शेप में लाना है और बहुत अच्छे चमकते हुए एकदम हीरे जैसे मोती में बदलना है बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि आपकी आईसी परफेक्ट तरीके से रिबॉल हो चुकी है, और जो भी कचरा होगा अब हम उसको और साफ कर लेंगे। अब हम इस आईसी का यूज अपने बोर्ड में लगाने के लिए यूज करेंगे। बोर्ड में हम जब भी आईसी लगाएंगे तो हमेशा नोज कट पॉइंट का ध्यान रखेंगे। अब हमें हमारे बोर्ड पे कितना पेस्ट लगाना है इसका आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो शुरुआत में जब हम आईसी लगाएंगे तो पेस्ट बहुत हल्का सा लगाएंगे, जिस तरह का मैं यूज़ कर रहा हूँ आप देख सकते हैं। ज़्यादातर लोग ये पूरा पेस्ट उठा के यहाँ लगा देते हैं, और यही उनका आईसी अनसक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि पेस्ट ही आईसी को ड्राइव कर देता है अगल बगल में। समटाइम अगर आप नोज कट पॉइंट भूल जाते हैं तो आईसी के डिजाइन से भी आप लगा सकते हैं, मगर अगर सारे बॉल्स एक जैसे हैं तो हमारे पास और भी कई तरीके हैं जिससे हम आईसी को लगा सकते हैं। सो वो तरीके आपको परफेक्शन लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सीखना पड़ता है।
आप उसके लिए इस टेलीकॉम को ज्वाइन कर सकते हैं। आईसी में थोड़ा जो भी डस्ट है उसको मैं अलग से हाथ में थिनर डाल के साफ कर लेता हूँ। तो मेरा सारा डस्ट खत्म हो चुका है। तो अब आईसी हम लगाएंगे। तो आईसी को लगाते समय आपको उसका नोज कट पॉइंट बहुत ध्यान देना है। अब आईसी को बिठाने के लिए आपने ध्यान देना है कि नीचे आपका कोई कचरा होना नहीं चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप आईसी को बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर बिठाएं, आप आईसी को हल्का सा टेढ़ा भी बिठा सकते हैं, आईसी अपनी जगह पे खुद बैठ जाती है। अब देखिए, अब आपको अभी बिल्कुल भी यहाँ पर जो पेस्ट है नहीं देना है। हीटिंग हम अपनी सेट कर लेंगे तो वही हीटिंग हम रखेंगे जो हीटिंग हमने आईसी निकालने के टाइम पे रखी थी। और आईसी के बट यहाँ पर फिलहाल हम शुरू के 10 सेकेंड हम आईसी की जो एयर है उसको जीरो पे रखेंगे ताकि आईसी मूव ना करे। तो आप देख सकते हैं अभी वो 10 सेकेंड नहीं हुए हैं। तो जब आपके आईसी के 10 सेकेंड हो जाते हैं तब आपको सबसे पहले पेस्ट को इस तरह से साइड से आपको देना होता है और फिर आपको हल्का सा एयर भी भरा देना होता है और अपनी हीट सेम आपकी भी आप बढ़ा सकते हैं। तो देखिए हल्का हल्का सा हीट देंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट है आपको टच मेथड यहाँ पर ध्यान देनी है। आईसी मूवमेंट कर सकती है और नहीं भी करेगी तो भी आपको आईसी को मूवमेंट करना है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर थोड़ा सा और पेस्ट देने की यहाँ पर ज़रूरत समझता हूँ क्योंकि मेरा पेस्ट आईसी के चारों तरफ से निकलना जरूरी है। इससे मेरे को पता चलता है कि आईसी अब मूवमेंट अगर नहीं कर रही है तो मैं आईसी को अपने से मूवमेंट कराऊंगा। अब आप देख सकते हैं कि पेस्ट आईसी के दोनों तरफ से निकल रहा है, मतलब अब मुझे आईसी से खुद को मूवमेंट कराना पड़ेगा क्योंकि आईसी खुद से मूवमेंट नहीं कर रही है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस तरीके से मैंने इसको टच दिया है। मैंने चार दिए, आपसे भी एक देना। मैं आपको सिखाने के लिए चार दिए और मिडिल ऑफ सेंटर से टच दिया है मैंने, कॉर्नर से नहीं। कॉर्नर से टच देने के टाइम पे अगर गलती से भी हमने टच ज़्यादा दिया तो आईसी पूरी रोटेट कर जाएगी और बॉल्स आपस में मिल जाएंगे। सो मिडिल ऑफ टच, सेंटर ऑफ टच काफ़ी बेस्ट होता है। अब आपको आईसी को ठंडा रखना है। ठंडा रखने के लिए आप एक यूज़ कर सकते हैं फ़ैन को और उसके ऊपर इस तरीके से आप उसको ठंडा रख सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको डिटेलिंग के साथ बनाया गया है और आशा करता हूँ कि ऐसा वीडियो आपको YouTube में शायद ही देखने को मिलेगा, इसलिए लाइक ज़रूर करना और जितना हो सकता है अपने दोस्तों भाइयों की मदद कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जितने भी फ्रेशर्स बच्चे हैं उनको सीखने को मौका मिले और इससे आगे सीखना चाहते हैं और अच्छा और एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां हम आपको गारंटी देते हैं सिखाने की। अब ठंडा करने के बाद आप थिनर का यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि आईसी लगाए नहीं तो सीधे थिनर डाल दिया, तो बिल्कुल ये काम नहीं करना है। अब हम हमारे बोर्ड को बाहर निकालेंगे और अब मैं अपना मेन कैमरा जो है DSLR का उसको ऑन रखूंगा, जो मेरा साइड कैमरा उसको ऑन रखूंगा, जो मेरा माइक्रोस्कोप का कैमरा उसको मैं बंद कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं हमने अपने हाथ में हमारा बोर्ड ले लिया है। अब हम इसको सेम कंडीशन में देखेंगे कि ये आता है कि नहीं आता है। अब इसी बोर्ड पे हम हमारा सबसे पहले डिस्प्ले का कनेक्टर लगाएंगे
हमेशा ध्यान रखिएगा डिस्प्ले का कनेक्टर आपको सबसे पहले यूज़ करना है, फिर आपको B2B कनेक्टर लगाएंगे और आखिरी में हम अपना बैटरी का कनेक्टर लगाएंगे। बहुत से लोग होते हैं जो बैटरी का कनेक्टर लगाने के बाद डिस्प्ले का कनेक्टर लगाते हैं, जिससे आपका डिस्प्ले का कनेक्टर जल सकता है और B2B का कनेक्टर भी जल सकता है। अब हम हमारी बैटरी को वापस लगाएंगे और अब हम यहाँ पर चार्जर लगाकर अपने फ़ोन को एक्टिव करेंगे और देखेंगे कि हमारा फ़ोन हमारी किस कंडीशन में आता है। तो हमने यहाँ पर चार्जर लगाया है और हम अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखते हैं, तो बने रहिए। सैमसंग बूट होने में थोड़ा टाइम लेता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा सैमसंग में जो लोगो है वो दिखाई दे दिया और जो कि यहाँ पर मेरा परसेंटेज है वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इस तरीके से अपनी पावर एसी को लगा सकते हैं और अपने फ़ोन पे अच्छा काम सीख सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, ये जो आईसी का काम होता है ये ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोग इस फ़ोन को खुलने और बंद करने का ही काम करते हैं या सिर्फ कनेक्टर चेंज करने का काम करते हैं। अगर आप आईसी का काम सीखते हैं और अगर आप उसके भी अंदर जाते हैं और आईसी को रिपेयर करने के साथ आप सप्लाई का ज्ञान सीखेंगे तो 102% आप इतना अच्छा पैसा कमाएंगे कि आपके पूरे एरिया में जितनी भी दुकानें हैं उनके फ़ोन आप बनाएंगे। क्योंकि होता यही है, दुकान वाला भी एक अच्छा टेक्नीशियन ढूंढता है कि भाई उसके पास रिपेयरिंग का जो सामान आए, जो काम आए, वो भी एक अच्छे दुकानदार को दें। तो अगर आपको अच्छा दुकानदार बनना है तो एसर टेलीकॉम का हाथ थामिए, क्योंकि हम आपको लेके जाएंगे एक अलग ही ऊंचाई पर। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो को देखने के लिए। उसके बाद मैं वीडियो MMC का डालूंगा, उसके बाद वीडियो मैं CPU का लगाऊंगा। मेरे धीरे धीरे वीडियो आते रहेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे। थैंक यू।